बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त। सोचिए, पल्लेदारी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले मजदूर को अगर हीरा पड़ा हुआ मिल जाए तो आलम क्या होगा। ऐसा ही चमत्कार एमपी के पन्ना में हुआ है, जहां एक मजदूर को 5 लाख रुपए कीमत का हीरा मिला है। बताया गया कि पल्लेदारी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक गरीब मजदूर नंदीलाल रजक को रक्षाबंधन के दिन माता के मंदिर से लौटते समय जमीन पर पड़ा हुआ चमचमाता हीरा मिला। पहले तो वो उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर अपने घर ले आया और घर में रख कर अपनी ससुराल चला गया। जब वहां से वापस लौटा तो आसपास के लोगों को उसने वो हीरा दिखाया, जिसके बाद पता चला कि ये तो एक जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जिससे मजदूर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ही नंदीलाल ने हीरा कार्यालय में जाकर उसे जमा करा दिया, जो 2.83 कैरेट का है। वहीं हीरे की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। मजदूर नंदीलाल रजक का कहना है कि उस पर माता रानी की कृपा हुई है। वो पल्लेदारी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो मजदूरी का काम करते हैं। अब वो हीरे की नीलामी से मिलने वाले पैसों से अपना घर बनवाएगा और बच्चों को रोजगार के लिए व्यवसाय करवाएगा। कहा कि सुबह रेते से गए, 7 बजे नहाया धोया चौपरिया पास, जो है चौपरिया बगल में नहा धो के राखी को रक्षाबंधन हटा, तो हमने गैर पाठ चढ़ा दी माता का नाम। ओते से लौटे तो सीधे काल थे चढ़ते ही में नज़र थोड़ी झुमझुमाना, पानी की परस रहा था, पानी परस रहा था, तो हमने कहा था कि झुमझुमा कर रहा, सो हम बैठ के तना गुड़ियाओ, तो हमने कुछ मारा, सो हमने निकाल के अपने चले आए हैं। जब चले आए सो अपनो रख लो हैं। फिर के बाद है तो हमने को छुट्टी पड़ी है, ये हमें प्राइवेट में बेचना नहीं है, तो हम शासन का जमा कर देंगे, तू में निर्द्वंद हो जाएगी। तो फिर है तो हमने चले गए नवर राखी बांधे ससुराल में, सो तैसे लौट के आए। फिर मंगलवार को जमा की जा। कितना बड़ा हीरा है ये? 2.83 कैरेट है। कहाँ जमा कर दिया आपने? कार्यालय, हीरा कार्यालय। अच्छा, ये बताइए, अभी आपकी स्थिति बहुत खराब थी, क्या काम करते थे आप और पैसे मिलेंगे जो हीरा से तो क्या करेंगे? पैसे मिले तो हमारे स्त्री ऐसी खराब हती कि हर चीज से गुजरी भाई थी हैं। तो हमने रिक्शा चलाते हैं, अब देखो सीट कने अपने लगे तो मजदूरी 100-200 रुपया कमाती है हैं, जोन में लगाया पल्लेदारी वगैरह। हाँ, पल्लेदारी शक्कर गई कछू गौ सो अपनों करते हैं, तो अपना जितो मिले सो परवा लाओ चले आए। पई के बाद हम यह सोच रहे कि ऊपर वाले ने जब भगवान ने माता ने दिया है, चाहे पठवानी से समझो चाहे कछु से राखी बांधा है, हमने साले बांधत रही है हैं। तो लो माता ने दे रहा सो लो कहा हमें से जाए, हमें सतवाना तो हमें से जाए। तो हम यह सोचा है कि ये काठी के मकान बना लेंगे और रोजगार करेंगे, कोनो गाड़ी वाहन ले लेंगे कि फिर कोनो दुकानदारी में करेंगे, तो इसी बच्चे हमारे धीरे धीरे हमस हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बच्चा जो है, एक बच्चा है पूना में मजदूरी कर रहा है और मजदूरी या भी कर रहा है। तो हम सोचे कि धीरे धीरे कोनो धंधा डालेंगे तो धीरे धीरे साहित्य में हमस जाए, हमस नहीं होता। कितनी खुशी है आपको हीरा? हमें तो खुशी है जितने जब मिल जा, हम कहे कि 5 मिल जा शासन जितो दे दे भैया हैं, सुनो रहो 12% मानो कटने है। क्या नाम है आपका? नंदीलाल रजक। पन्ना से दीपक शर्मा, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ शहर की प्राइम लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं समस्त शासकीय अनुमतियां प्राप्त। भव्य कॉलोनिया, साकार एनक्लेव, नीलगिरी, मोहन एनक्लेव, गुरुधाम, आचरण इको सिटी, भव्य प्रवेश द्वार, हरा भरा उद्यान, सीवर लाइन, चौड़े कंक्रीट रोड, सीसीटीवी सुरक्षा गार्ड, 24 घंटे बिजली पानी, सुखद वातावरण, कवर्ड कैंपस। साइट विजिट के लिए संपर्क करें कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर, मोहन एनक्लेव कॉलोनी, होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर। हमारा नंबर है 4684 अंकुर 84 9617310803 7507197637।